हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो आज से हम हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक पार्ट है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, 15 नंबर की वेटेज आती है कम से कम मिनिमम हमारे एग्जाम में। प्रैक्टिकल लाइफ में एमएनसीज में जैसे बिग फोर जो हमारी कंपनीज होती है, डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई और आपकी पीडब्ल्यूसी, यहाँ पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग में स्पेसिफिक बहुत वैकेंसी आपकी निकलती है और आपसे इंटरव्यू के वक्त क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक और आज से जितनी भी क्लास हमारी आगे होगी ट्रांसफर प्राइसिंग की, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो हम इसको लिखेंगे, जैसे कि हमने तय करा था कि जो चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा हम उसको अपने हाथों से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग की जो सेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मेरे पास गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन है, incometax.gov.in, ठीक है, incometaxindia.gov.in। यहाँ पे मैं पेज नंबर 27 पे हूँ और पहला सेक्शन इसका आता है सेक्शन नंबर 92। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका पहला सेक्शन ओपन हो जाएगा। सेक्शन जो आपका है वो है 92। आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा है अभी, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद जो आपके सेक्शन है मैं उनको भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ट्रांसफर प्राइसिंग में हमारे पास सेक्शन कैसे कैसे है। आई थिंक एक बार इसको रीलोड करता हूँ मैं। तो पहला सेक्शन हमारा 92 है, मैं इसको आपको दिखा दूंगा। वेबसाइट अभी चल नहीं रही है शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम प्रोविजन पे चलते हैं। बट पहला सेक्शन कौन सा है, 92। 92 सेक्शन से सीरीज स्टार्ट होगी हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन की। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन की जो सीरीज है वो सेक्शन 92 से स्टार्ट है और सेक्शन 92 से हमारे जितने भी आगे सेक्शन है वो ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करते हैं और हम उनको धीरे 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 कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन क्या कहते हैं। ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है ना, ये कहते हैं जो भारत में एक एंटिटी है, भारत में कोई एंटिटी है चाहे वो कंपनी है, HUFF फर्म है, वो अपनी किसी सगी कंपनी को, ठीक है, जो विदेश में है उसको फायदा पहुंचा रही है, जैसे माल ज्यादा में खरीदना, ठीक है, माल सस्ते में बेचना, खर्चे ज्यादा दिखाना, ठीक है, मतलब खर्चों का अपोर्शनमेंट उनको ज्यादा पे करना, जैसे आपने और आपकी जो सगी कंपनी है उन्होंने मिलके कोई खर्चा किया, आपकी तरफ ज्यादा खर्चा डाल दिया उन्होंने, तो आप उसको फायदा पहुंचा रहे हो। कहने का मतलब है कोई भी बेनिफिट आप पहुंचा रहे हो अपनी सगी कंपनी को, तो सगी कंपनी को तो हम पकड़ नहीं सकते ना, हम आपको पकड़ेंगे, आपके ऊपर क्या लगाएंगे, आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगाएंगे और आपने जितना भी फायदा अपनी सगी कंपनी को पहुंचाया उसकी रिकवरी हम आपसे करेंगे। जैसे मैं कह रहा था सेक्शन की सीरीज यहाँ पे काफी है, तो हम धीरे 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 इन सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो एक भारत में एंटिटी है वो अपनी किसी सगी कंपनी को, देखो सारी कंपनी नहीं, फॉर एग्जांपल भारत की किसी कंपनी ने, किसी एंटिटी ने, कंपनी का शब्द कंपनी शब्द यूज नहीं करना है, एंटिटी शब्द यूज करना है, किसी एक एंटिटी ने अपने व्यापार के लिए कोई सर्विस ली किसी अनरिलेटेड पार्टी से जो उसकी सगी नहीं है, तो उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आर्किटेक्चरल सर्विस ली किसी भारत की एंटिटी ने और उसके बदले पैसा दिया, तो आपने जो पैसा दिया वो ज्यादा दे दिया, कहने का मतलब है उसने आपको ऐट लिया, आपको महंगी सेवाएं दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे और भारत की एंटिटी से हम टैक्स की वसूली करेंगे ना। जो आपकी सगी है और सगी को हम बोलेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज, जो आपकी है जिसको आपने फायदा पहुंचाया, फायदा कैसे, माल ज्यादा में खरीद लिया, उसकी सेल ज्यादा, मतलब उसका टर्नओवर बढ़ गया ना, इनकम बढ़ गई उसकी, माल कम में खरीद लिया, ठीक है, माल ज्यादा में बेचा तो चलेगा, बट आपने क्या किया, माल जो खरीदा वो ज्यादा में खरीद लिया, माल बेचा कम में बेचा, ठीक है, तो उसको फायदा हुआ। पहले मैं और कुछ बोल रहा था, अब सुनो, आपने माल बेचा कम में तो उसको फायदा हो गया, सस्ते में माल उसको मिल गया, आपने माल खरीदा ज्यादा में
तो उसको फायदा हो गया क्योंकि उसका टर्नओवर बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि उसने सेल करी। कहने का मतलब है कुल मिला के आपने कोशिश करी अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, अपनी सगी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो जितना भी फायदा आप पहुंचाओगे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, हमारे पास है एक इंडियन एंटिटी, इंडियन एंटिटी मेरे पास है एक, इसने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, कोई भी ट्रांजैक्शन करी किसी एक एंटिटी से जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया एंटिटी, और दोस्तों जो ये ट्रांजेक्शन करी ना, ये आपने नाजायज रकम पे करी, आपने इसको फेयर वैल्यू पे नहीं करा, और फेयर वैल्यू को हम ट्रांसफर प्राइसिंग में बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। आपने माल खरीदा, ज्यादा में खरीद लिया, आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं खरीदा, आपने माल बेचा कम में बेचा, आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं बेचा, आपने किसी खर्चे का रीइंबर्समेंट उसको दिया, आपकी सगी कंपनी को ज्यादा दे दिया, ठीक है, उसको क्या करा, ज्यादा दे दिया तो उसकी इनकम बढ़ गई, आपने तो डेबिट साइड में खर्चा डाल दिया और प्रॉफिट कम कर लिया, उसको फायदा हो गया। तो जितना भी फायदा आपने पहुंचाया अपनी सगी कंपनी को, वो सारा का सारा फायदा हम एड बैक कर देंगे इंडियन एंटिटी की कंपनी में, मतलब इंडियन एंटिटी को उस फायदे पर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाली एंटिटी है उसको तो हम पकड़ नहीं सकते ना, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपने पढ़ा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम किसको पकड़ सकते हैं, इंडियन एंटिटी को पकड़ सकते हैं जो ये फायदा पहुंचा रही है अपनी एक सगी कंपनी को जो आउटसाइड इंडिया है। तो ये सगी कंपनी क्या होनी चाहिए, ये जो सगी कंपनी है ये एसोसिएट एंटरप्राइज होनी चाहिए, किसकी, इंडियन एंटिटी की। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे भाई क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन, तो बस यही होता है, खत्म, और कुछ नहीं होता। अब इसके अंदर जो भी हमारे सेक्शन यूज होते हैं कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के पालन प्रोविजन के पालन को प्रोविजन के प्रोविजन को पालन नहीं करते तो क्या होगा, क्या पेनल्टी होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो क्या पेनल्टी होगी, असेसिंग ऑफिसर ट्रांसफर प्राइस को निकालने के लिए एक रेफरेंस सेंड कर सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, ठीक है। जैसे हमने असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा था कि हम वैल्यू करवाएंगे किसी वैल्यूएशन ऑफिसर से, तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होगा, ये भी हम पूछवा सकते हैं किससे, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर से। फिर हम पढ़ेंगे कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलता है, ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड अवेलेबल है हमारे इस ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में। तो कोई आपसे पूछे कि ये क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, बस आपको इतना ही जवाब देना है कि भारत की कोई एंटिटी अपनी किसी सगी कंपनी को बेनिफिट पहुंचाती है, तो जितना भी बेनिफिट पहुंचाएगी उस बेनिफिट पर टैक्स देगी भारतीय कंपनी, ठीक है, जितना भी फायदा पहुंचाएगी उस फायदे पर टैक्स कौन देगी, भारतीय कंपनी। अगर आपको एक एग्जाम्पल समझना है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन एंटिटी सोल्ड 1000 टेलीविजन्स एट रुपीज 15,000 ईच टू इट्स सगी कंपनी, मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है, फुल स्टॉप, आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ सच टेलीविजन इज रुपीज 20,000 ईच। इस टीवी का दाम 20,000 रुपये था,
आपने क्या किया, इसको 15,000 में दिया अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को। तो हम कह रहे हैं आपने दिया कोई बात नहीं, उसने लिया कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन द अमाउंट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन आर्म्स लेंथ प्राइस एंड प्राइस चार्ज शैल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ इंडियन एंटिटी। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, 20,000 का एक टीवी था, आपने उसको 15,000 में दिया, आपने उसको फायदा पहुंचाया। ठीक है, हमें नहीं चाहिए ऐसा फायदा, हम तो 5,000 रुपये प्रति टीवी पर, जो कि आपने कितने सेल किए 1,000 टीवी, हम तो आपसे टैक्स लेंगे इनटू 1,000 टीवी। ठीक है, तो 5,000 इनटू 1,000, 50 लाख रुपयों पर टैक्स देना पड़ेगा किसको, इंडियन एंटिटी को। बड़े खतरनाक प्रोविजन है ट्रांसफर प्राइसिंग की। क्यों कर रहे हो गलती, क्यों उसको, जब आपकी सगी है तो अपने रिश्ते घर में निभाओ ना, इंडियन इकोनॉमी को क्यों चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे लगते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल और लेना है, अब आपने जैसे कुछ परचेज किया, इंडियन एंटिटी परचेज, इंडियन एंटिटी परचेज 1,000 आईफोन्स फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया जो कि आपकी विदेश में है, जो कि आपकी नॉन रेजिडेंट है, एट द रेट रुपीज 90,000 ईच, फुल स्टॉप, द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ दिस आईफोन इज रुपीज 80,000, इसकी कीमत थी 80,000, आपने 90,000 में खरीदा। आप तो कह दोगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट कम, आप तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे। हम कह रहे हैं हम आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, तो इंडियन एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा, इंडियन एंटिटी, समझ गए कॉन्सेप्ट। देखो एग्जाम्पल तो अनेक है, कॉम्बिनेशन अनेक है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट आप उसे फायदा पहुंचा रहे हो बस। क्वेश्चन पढ़ते देखना कि क्या कर रही है इंडियन एंटिटी, कौन है इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज, सब पे मत लगा देना, जो सगी कंपनी है उसके साथ जो लेन देन हो रहा है उस पर ही लगेगा सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग, पता लगा आपने सब पर लगा दिया। ठीक है, इंडियन एंटिटी विल बी लाइबल टू पे टैक्स, विल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन, इनको टैक्स पे करना पड़ेगा भाई, 80,000 का माल था, आपने उसको 90,000 में लिया और आपने कितने पीस लिए, 1,000 पीस लिए, तो जो इंडियन एंटिटी है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ से 10,000 आ जाएगा और यहाँ से 1, 2, 3, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 करोड़ रुपए पर इंडियन एंटिटी को टैक्स देना पड़ जाएगा इस छोटी सी गलती से। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, या तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन होगा, या फिर आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। तो बस बैकग्राउंड यही है, इससे बाहर और कुछ नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब इसमें यूज होने वाले प्रोविजन, ठीक है, पेनल्टी,
आर्म्स लेंथ प्राइस, कौन होगा एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या होगी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये सारी बातें अब हम धीरे 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 एक एक सेक्शन में छोटी छोटी बातों में कंप्लीट करेंगे। और याद रहे हम इन सबको लिखेंगे। ऑल राइट, चलिए तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। अब मैं आपको धीरे 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 लिखवाना शुरू करता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको भी वैसे मिलेगा, बट फिर भी आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, चलिए अब मैं एक एक करके आपको पॉइंट लिखवाता हूं। लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिखेंगे द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप। मतलब अब हम देख रहे हैं कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों लगाया गया, ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री, मतलब इंडिया में, इन द कंट्री, कंट्री के ब्रैकेट में लिख लो इंडिया, ठीक है, इन द कंट्री इंडिया हैज गिव राइज टू न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम हाँ जी इमर्जिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शंस इमर्जिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इंटू बिटवीन टू और मोर एंटरप्राइजेस। भाई दो के बीच ट्रांजेक्शन होगी तभी तो पता लगेगा नहीं फायदा किसको पहुंचा। अच्छा एक बात और सुनना कि जैसे क्वेश्चन में आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं गिवन है और आपने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला, और आर्म्स लेंथ प्राइस से जब आपने तुलना करी कि आपने किस प्राइस से ट्रांजेक्शन करी अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से, तो फायदा उसको नहीं फायदा आपको पहुंचा। ठीक है, फायदा आपको पहुंचा तो उस केस में कोई ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएगा, जब हम आर्म्स लेंथ प्राइस को निकालना सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, ट्रांजेक्शन एंटर इनटू बिटवीन टू और मोर एंटरप्राइजेस, सारी नहीं, बिलोंगिंग टू दी सेम मल्टीनेशनल ग्रुप। मतलब मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी को हम मानेंगे कि भाई ये दोनों आपस में सगी है, ये दोनों आपस में गेम खेल रही है, ये दोनों आपस में फायदा पहुंचा रही है, किस किस को बोलेंगे, उसका एक अलग सेक्शन है, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि भाई जब मल्टीनेशनल ग्रुप आते हैं हमारी इकोनॉमी में तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, दो एंटिटी जो सेम ग्रुप की है वो आपस में ट्रांजेक्शन करती है, और ट्रांजेक्शन करते वक्त थोड़ा सा धोखा दे देती है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, उसी के लिए ये ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन आया। चलेंगे सेकंड पॉइंट में, धैर्य से बैठे, बहुत लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। लिखेंगे द प्रॉफिट
डिराइव्ड बाय सच एंटरप्राइजेस, सच एंटरप्राइजेस कैरिंग ऑन, कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर आपको ऊपर लिखना है तो यहां पे लिख भी सकते हो, सेम मल्टीनेशनल सेम मल्टीनेशनल ग्रुप का मतलब मींस एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब सगी कंपनी, ठीक है, मतलब सगी कंपनी, ठीक है। चलिए, द प्रॉफिट्स डिराइव्ड बाय द प्रॉफिट्स डिराइव्ड बाय सच एंटरप्राइजेस कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड बाय दी मल्टीनेशनल ग्रुप, बाय दी मल्टी नेशनल ग्रुप बाय मैनिपुलेटिंग, बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस, मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस चार्ज्ड एंड पेड, चार्ज्ड एंड पेड इन सच इंट्रा ग्रुप, इन सच इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस विच लीड्स टू टैक्स इवेजन, जिससे क्या होता है दोस्तों, टैक्स की चोरी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस में मैनिपुलेट करके कुछ माल सस्ता कुछ माल महंगा, खर्चों का ज्यादा पे करना, ये सब काम से क्या कर लेते हैं, टैक्स की चोरी कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट नंबर थ्री। हाँ जी दोस्तों, पॉइंट नंबर थ्री लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स, अब आपको मेन बात पता लगेगी, मतलब सरल शब्दों में, इन अदर वर्ड्स कॉमा द कोर्स ऑफ बिजनेस, द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन अ, बिटवीन अ रेजिडेंट पर्सन एंड, ध्यान देना, एंड एन एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज या फिर हम एसोसिएट नॉन रेजिडेंट लिखेंगे क्योंकि इसमें सब आ जाएगा, चाहे कोई कंपनी हो या फिर कोई फर्म हो या फिर कोई व्यक्ति हो। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच हो रही है, एक रेजिडेंट पर्सन के बीच जिस पर हमारा कंट्रोल है, जो इंडिया में आर बन चुका आर, ठीक है, रेजिडेंट पर्सन, और दूसरी तरफ कौन है, एन एसोसिएट नॉन रेजिडेंट या फिर, या फिर एसोसिएट, एसोसिएट नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, मतलब आर एन ओ आर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, एक तरफ कौन है इंडियन रेजिडेंट और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ आपका है या तो एनआर या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, मतलब आर एन ओ आर, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे लिखेंगे, इसके कोमा लगा के लिखेंगे, ये ट्रांजेक्शन कैसे हुई है,
इज सो अरेंज, इसको करने का मकसद क्या था, ये कैसे हुई है? इज सो अरेंज डेट द रेजिडेंट, डेट द रेजिडेंट पर्सन, डेट द रेजिडेंट पर्सन मेक्स नो प्रॉफिट, क्योंकि आपने सारा बेनिफिट किसको पहुंचा दिया, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सारा बेनिफिट पहुंचा दिया। टॉपिक गंभीर है इसलिए अच्छे से समझना बिना बोर हुए, ठीक है? चलिए, रेजिडेंट मेक्स नो प्रॉफिट और लेस प्रॉफिट, या तो किया ही नहीं या फिर किया तो कम किया, और लेस प्रॉफिट एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस। या तो प्रॉफिट किया ही नहीं आपने, या तो प्रॉफिट आपने किया ही नहीं, किया तो बहुत कम किया, जो होना चाहिए था उससे कम किया, मुनाफा होना चाहिए था डील में 10,000 का, आपने जबरदस्ती उसे फायदा पहुंचाने के लिए 5,000 रुपए कमाए मात्र, तो ठीक है आपने करा, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो ये 5,000 रुपए आपने कमाए, जिस पर इंडियन सरकार को टैक्स मिल सकता था, आपकी गलती की वजह से ये हमको नहीं मिल पाया, इस पर अब टैक्स किसको देना पड़ेगा? आपकी सगी कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटिटी को देना पड़ेगा। वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है या फिर वो आरएनओआर भी हो सकती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, ठीक है? चलिए चलेंगे दोस्तों अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है? सच एन अरेंजमेंट वुड डेप्रीव, मतलब ये चोट पहुंचाएगा किसको? इंडियन रेवेन्यू को। डेप्रीव डेट इंडियन रेवेन्यू ऑफ द टैक्स विच वुड, अब इसको कौन पे करेगा? रेजिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, विच वुड अदरवाइज बी पेबल, बी पेबल बाय द रेजिडेंट, ठीक है? जिसको अब कौन पे करेगा? वो रेजिडेंट पे करेगा जिसने ये अपनी सगी कंपनी को फायदा पहुंचाया, ठीक है? चलिए लिखेंगे अब पॉइंट नंबर फाइव क्या कहता है, लिखेंगे विद आ व्यू टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, मतलब इन बातों को कानून में डाला गया और प्रोविजन बना ट्रांसफर प्राइसिंग का, विद अ व्यू टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क विच कैन लीड टू कंप्यूटेशन विच कैन लीड टू कंप्यूटेशन ऑफ, जिससे हम क्या करेंगे, एक रीजनेबल प्राइस, फेयर प्राइस निकालेंगे कि ट्रांजेक्शन इस प्राइस पे होनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं करी? तो आपने नहीं करी, आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया, जितना भी बेनिफिट आपने उसको पहुंचाया अपनी सगी कंपनी को, उस पर हम टैक्स आपसे लेंगे, ठीक है? कैन लीड टू रिकम्प्यूटेशन ऑफ रीजनेबल कोमा फेयर एंड इक्विटेबल
एंड इक्विटेबल प्रॉफिट्स एंड टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया, कोमा लगा के आगे लिखेंगे, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सच मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, सच मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, सच मल्टीनेशनल एंटरप्राइज कॉमा, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, न्यू सेट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस, न्यू सेट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, जिससे टैक्स को हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके, रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, मतलब ये जो अननेसेसरी टैक्स आप पे लगेगा इससे बचने के लिए आप पहले ही ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन को अपनी ट्रांजेक्शन में, अपनी एंटिटी में इंप्लीमेंट करो। जो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन कहते हैं उस बिहाफ पे आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब फेयर प्राइस निकालो, और उस प्राइस पे अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके ऊपर फिर ये दंड नहीं लगेगा, आपके ऊपर फिर ये अननेसेसरी टैक्स का बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही काम ठीक करोगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर चैप्टर 10, याद रखना कि किस चैप्टर में है ये, अंडर चैप्टर 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑल राइट, चलिए चलेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, दीज प्रोविजंस, बस ये लास्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, फिर हम अपने वन बाय वन सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। These provisions related to computation of income from international transaction, from international transaction, from international transaction having regard to, having regard to arm's length price, ALP, having regard to arm's length price comma, ये provision और क्या बताते हैं, meaning of इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, अरे सेल, परचेज, आपने कोई एसेट खरीदा, कोई सर्विस ली, ये सब क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। फिर हमें ये बताएगा डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब ये प्रोविजन हमें क्या बताएंगे कि आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस ALP, ठीक है। उसके बाद आपको आपके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, ठीक है, कीपिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ, कीपिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉमा,
इंफॉर्मेशन ठीक है एंड डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ठीक है कॉमा आपको अपना स्पेशल मतलब स्पेशल कह रहा हूं मतलब आपको अपना ऑडिट भी कराना है। आपने रिटर्न ऑफ इनकम में देखा होगा कि जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग लगते हैं उनकी रिटर्न की डेट अलग होती है, तो ठीक है यह मैं बताता है मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन में बताते हैं। फर्निशिंग फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये कौन करेगा रिपोर्ट फर्निश? वो व्यक्ति जो ट्रांसफर प्राइसिंग में आ गया, मतलब वो इंडियन रेजिडेंट जो फंस गया जिस पर ये ट्रांजैक्शन लग रही है, जिस पर ये प्रोविजन लग रहे हैं। बाय पर्संस एंटरिंग एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शंस ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आपका एक इंट्रोडक्शन होता है खत्म। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि कैसे कैसे ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आए, ये क्यों आए, ये प्रोविजन हमें क्या क्या चीज आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 ध्यान से देख लो, ये हमें बताने वाले हैं कि कैसे इनकम निकाली जाएगी ठीक है आर्म्स लेंथ प्राइस को ध्यान में रख के। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होने वाला है, सबके अलग अलग सेक्शन है, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही तो मेन है, यही मेन है इस चैप्टर में। बस आपको खाते कैसे कैसे बनाने हैं, क्या क्या चीज आपको मतलब अपने रिकॉर्ड में संभाल के रखनी है, क्या क्या जानकारी आपको रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। फिर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है सरकार को प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। ऑलराइट पॉइंट क्लियर है। तो आपको एक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि कैसे हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन को हम आगे लेकर चलेंगे और कैसे इनको कंप्लीट करेंगे ठीक है। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब हम अगले अगले लेक्चर में अपने सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे और फिर धीरे 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 हम क्वेश्चंस पे आएंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस पे आएंगे और ट्रांसफर प्राइसिंग हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। ऑलराइट आज के लेक्चर में इतना ही, बस इसको समझो कि हमने क्या पढ़ा, ये क्यों होता है, अब इसमें आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, वो विजन मैंने आपको क्लियर कर दिया और मैंने आपको सेक्शन भी सारे दिखा दिए ठीक है। 92 से शुरुआत होती है और आपके आगे बहुत सारे सेक्शन है, उनको हम कंप्लीट करेंगे ठीक है। ऑलराइट चलिए इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।